देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम इक्वेशन दिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 17, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब उन दोनों का स्क्वायर करना है, इन उसके रेसिप्रोकल का जो है मतलब सम जो है वो क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमें पता नहीं टू नंबर कौन से है, सो मान लेते हैं वो जो नंबर है वो है ए एंड बी, ठीक है। उन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना दिया है 17, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू क्या है 17, ठीक है। अब 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, सो इसके सिर्फ मतलब दो ही फैक्टर होगी, एक तो है पहला होगा 1 और दूसरा होगा 17। सो ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 17, ठीक है। क्या फाइंड करना है, उन दोनों के रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर सम, ठीक है, ऑफ देयर स्क्वायर, उन दोनों का स्क्वायर का रेसिप्रोकल का हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 1 डिवाइड बाय इसके स्क्वायर एंड इन दोनों का स्क्वायर का रेसिप्रोकल, सो 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ठीक है। इसका सम हमें फाइंड करना है। सो देखिए यहाँ पे इन दोनों को हमें मतलब सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पहले, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे ए नहीं है इसलिए ए से मल्टीप्लाई करने पे लिए, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर एंड यहाँ पे दोनों साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए बी स्क्वायर, ठीक है। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर, मतलब कि ए बी क्या है 17 है, ठीक है। सो 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड 17 का स्क्वायर होगा 289। सो 289 प्लस 1 इज इक्वल टू 290, ठीक है, यहाँ पे 289। सो हमारा ऑप्शन निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 290 डिवाइड बाई 289।